देखो एक गाड़ी दिखाता हूँ बहुत बढ़िया, हाँ वो गाड़ी अगर तूने देख ली तो हाँ शायद नहीं लेगा। तो सेम सिचुएशन आपकी टाटा की गाड़ियों के साथ भी रहेगी कि अगर भाई सामने से कोई आके उसको मार के जा रहा कि जो सर्विस कॉस्ट आती है वो अप्रोक्स आती है। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। मेरा नाम है भावना चौधरी। तो 12 लाख रुपए के बजट में आपके पास टाटा नेक्सॉन है, मारुति ब्रीजा है, ह्यूंडई वेन्यू भी है, तो किया सोनेट क्यों परचेज करनी है। नई वाली किया सोनेट काफी धमाकेदार तरीके से आ चुकी है, गाड़ी की खाली प्राइस रिवील होने बाकी है, बाकी गाड़ी ने अच्छी खासी हाइप क्रिएट कर रखी है। अब नई वाली सोनेट को जो लोग बुक करना चाहते हैं, जो लोग उसके प्राइस का इंतजार कर रहे हैं, जो लोग 12 लाख रुपए के बजट में एक बेस्ट कार ढूंढ रहे हैं, आज हम लोग आपके लिए लेकर आए हैं किया सोनेट का ऑनरशिप रिव्यू, ताकि ये क्लियर हो जाए कि आपको नई वाली सोनेट परचेज करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। 12 लाख रुपए के बजट में क्या किया सोनेट बन सकती है आपकी परफेक्ट कार, या आपको जाना चाहिए मारुति, ह्यूंडई या फिर टाटा के साथ। तो मेरे साथ हैं किया सोनेट के ऑनर हिमांशु शर्मा, जो इस गाड़ी को 65,000 किलोमीटर चला चुके हैं। तो ये बताइए कि किया सोनेट आपने कब परचेज की थी। मैम, किया सोनेट मैंने परचेज की है 2021 में, अगस्त 2021 में। उस टाइम पे गाड़ी आपको कितने की पड़ी? उस टाइम पे गाड़ी मुझे पड़ रही थी 12-20 की, जिसमें कि मैंने एक्सटेंडेड वारंटी जो थी वो मैंने नहीं ली थी, तो मुझे 12 लाख ऑन रोड पड़ी थी। 12 लाख ऑन रोड। अब 12 लाख में अगर आप देखेंगे ना, तो 12 लाख में एक गाड़ी है जो बहुत सेल होती है, वो है मारुति की ब्रीजा। अगर इस बजट में कोई भी जाएगा तो ब्रीजा, वेन्यू, फ्रॉन्क्स, बहुत सारे ऑप्शन होते हैं। चलो फ्रॉन्क्स अभी आई है, बट उसके अलावा भी ऑप्शन है, तो वो सारे स्किप करके आप किया पे कैसे चले गए? उसका मेन रीजन ये रहा कि मेरा ना एक सपना था कि जब मैं गाड़ी परचेज करूंगा, मतलब खुद से, तो मैं एक गाड़ी ऐसी चाहता हूँ जिसमें मेरे को जो जो फीचर्स, मतलब एक कार एंथुसियास्ट होने के साथ साथ ना भाई, मुझे ये था कि मेरी गाड़ी में ना हर एक चीज होनी चाहिए जो मुझे चाहिए अपनी गाड़ी में। सो मैंने वही सोच के इसमें मुझे STX है ये सोनेट, तो इसमें मुझे वो सारे फीचर्स मिल गए थे, मेरी रिक्वायरमेंट में थे। अच्छा, एक ना 65,000 एक बड़ा नंबर होता है। जब कोई भी गाड़ी 65,000 चला चुका होता है तो पूरा गाड़ी के बारे में पता चल जाती है चीजें। तो सबसे पहले ना मैं इसके हेडलैम्प से स्टार्ट करूंगी और टेल लैम्प से स्टार्ट करूंगी। आप कितनी बार सोनेट को बाहर लेकर गए हो, बाहर लाइक हिल स्टेशन पर, रात में कितना ड्राइव किया आपने? मैंने जब मैंने परचेज करी थी तो परचेज करने के विद इन 1 वीक मैं इसको सबसे पहले अमृतसर लेके गया था। लाइटिंग के थ्रो की मैं अगर बात करूँ तो मुझे ना मुझे ठीक लगती है, बट अब जैसे रोड कंडीशंस जैसे हमारी हैं कि कहीं पे बहुत ही ज्यादा अंधेरा है या आपकी जो रोड्स हैं उसके हिसाब से ठीक है, बहुत ही एक्सीलेंट वाला, एक्सीलेंट मैं नहीं कहूंगा क्योंकि जो इसकी वॉट है वो थोड़ी कम है, तो उसको अगर अपग्रेड भी कराना चाहते हो आप करा सकते हो, बट मेरे लिए सही है। सही है, मैं भी देख रही थी जब आप चला के आ रहे थे तो मैं वही कंफ्यूज थी कि कनेक्टेड तो पहले सॉलिड में नहीं आता था, वो मैंने आफ्टर मार्केट कराया मैंने ये। और क्या कॉस्टिंग पड़ा उसका? 6,000। 6,000 रुपए में आपकी पुरानी सोनेट नई हो गई है रियर से। ठीक है, तो अभी कितनी सर्विस करा चुके हो गाड़ी की? इसकी 5 सर्विस करा चुका हूँ। 5 सर्विस, तो अभी सर्विस कॉस्ट में क्या है? मतलब मैं उन चीजों के बारे में ज्यादा बात करना चाह रही हूँ जो लोगों को ज्यादा पसंद होती है, जिसके बारे में लोग ज्यादा जानना चाहते हैं। सबसे पहले माइलेज हो गया आपका, चलाने में कैसी है, ब्रेकिंग कैसे है, और सर्विस। भाई शेर पाल लिया लेकिन उस शेर का खर्चा कैसे उठा रहा है, तो सर्विस कैसी है? शेर का खर्चा, ये मेरा काला शेर है, वैसे मैं इसका नाम दे रखा है काला शेर। तो इसकी जो सर्विस कॉस्ट आती है वो अप्रोक्स आती है 8,000 to 9,000। अच्छा, 8,000 to 9,000। okay. क्योंकि बट मैं इसमें क्या करता हूँ, मैं पैकेज ले लेता हूँ, AMC पैकेज ले लेता हूँ, जिसमें वो ही सर्विस कॉस्ट मेरी 5,000 की पड़ती है। तो AMC पैकेज के बारे में लोगों को थोड़ा बताइए कि AMC पैकेज लेना चाहिए तो क्यों लेना चाहिए, और नहीं लेना चाहिए किन लोगों को अवॉइड करना चाहिए? देखिए, AMC पैकेज का सबसे बड़ा बेनिफिट ये रहता है कि आपकी जो ओवरऑल जो आपकी सर्विस कॉस्ट है ना, उसमें आपको लगा लो 30-40% आपका कम हो जाता है, क्योंकि उसमें जो आपकी AMC में जब आप पैकेज लेते हैं तो उसमें आपकी जो लेबर कॉस्ट है वो रिड्यूस हो जाती है, लेबर कॉस्ट का। हाँ, बाकी जो अगर आपके पार्ट्स डलते हैं, सपोज अब मेरे टायर वगैरह डालने, वो अलग चीज है, बाकी जो बेसिक सर्विस रहती है, ऑयल फिल्टर, एयर फिल्टर वगैरह वगैरह, जितनी भी सारी चीजें हैं जो रिक्वायर्ड चेक्स होते हैं, उसकी कॉस्ट हटा के आपको। अच्छा, ये पड़ती आप है। किया की सर्विस से सेटिस्फाई हो? क्योंकि मेरे पास भी गाड़ी है टाटा की, तो मुझे कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि मैं सर्विस से थोड़ा कम सेटिस्फाई हूँ, क्योंकि आपको ट्रांसपेरेंसी रखी जाती है सर्विस में।
बिल्कुल एक्चुअली मेरी जो सर्विस मैं कराता हूँ वो मैं यहीं से एएसबी केयर से कराता हूँ और वहाँ मेरा अच्छा काफी मतलब है भी, क्योंकि अभी मेरी गाड़ी में ना एक इशू आया था थोड़ा एसी का, एसी ने कूलिंग करनी कम कर दी थी वो भी भरी गर्मी में। मैं सच बताऊँ मैं इस गाड़ी को जब भी लेके चलता हूँ भरी गर्मी में चलता था तो 23 से 24 डिग्री टेम्परेचर पर चलता था अच्छी गर्मी पे, बट अभी रिसेंट जो भी गई है गर्मी उसमें मेरा मतलब मैं उसको लो पे भी कर रहा हूँ तो मेरे को कूलिंग नहीं मिल रही थी, ठीक है। तो वो इशू जो था वो मेरा इन लोगों ने रिजॉल्व कर दिया, बट उस दौरान क्या हुआ ठंड आ गई, तो अभी वो कह रहे हैं कि दोबारा से आप जब मार्च के महीने में आएंगे तब हम इसको एक बार चेक करके अगर कोई पार्ट होगा हम उसको रिप्लेस कर देंगे, जैसे कि कूलिंग कॉइल वगैरह अगर कंप्रेसर हुआ खराब। वैसे 60-70 हजार पे तो ये चीजें बेसिक है, टायर्स एसी थोड़ा सा इसमें आपको ऊंच नीच देखने को मिल जाती है। बाकी सर्विस से मेरा मतलब ये है कि 7-8 हजार रुपए इसकी सर्विस पड़ती है। अभी आपने कितनी सर्विस करा ली है? 5 सर्विस करा ली, तो आपका जो खर्चा है वो 7-8 हजार रुपए होता है। और आप डेली से 100 किलोमीटर चला रहे हो, कहाँ आप ट्रेवल करते हो? दिल्ली एनसीआर में मैं रहता गाजियाबाद में हूँ और मैं डेली कम्यूट करता हूँ ग्रीन पार्क दिल्ली में। तो ट्रैफिक एकदम भर के रहता है उन रास्ते पे जिस रास्ते पे आप निकलते हैं, तो एक्चुअल में ट्रैफिक में कितना माइलेज दे रही है ये गाड़ी? मैं आपको माइलेज का अगर सच्चाई बताऊं, अभी रिसेंट 2 महीनों की बताऊं तो ये गाड़ी मुझे 17.5 से लेके 18 की माइलेज दे रही है ट्रैफिक में। ट्रैफिक नहीं, मैं ये 1 लीटर टर्बो इंजन है, राइट? ये 1 लीटर टर्बो इंजन है। मैं आपको इसका बता देता हूँ कि ये एवरेज क्यों निकली है इसकी, इसके पीछे की टेक्निक्स है जो की मैं शेयर करना चाहता हूँ लोगों के साथ। मैंने अपने चैनल पे भी की है, तो मेरा जो ऑफिस टाइमिंग है वो 8:30 to 4:30 का है, तो मुझे सुबह 7:30 निकलना होता है एंड 4:30 वहां से वापस निकलना होता है। तो मैं मेरे रूट में हाईवे भी पड़ता है, सिटी भी पड़ता है बिल्कुल। तो मेरा सीधा सा कॉन्सेप्ट रहता है कि मैं अपना 6 गियर पे डाल के गाड़ी को 60 to 70 के बीच में चलाता हूँ, ठीक है, एंड उसको बस उसी स्पीड पर मेंटेन रखता हूँ। क्रूज पे नहीं लगाता हूँ क्योंकि क्रूज पे क्या है कॉन्स्टेंट आरपीएम आपके सेट हो जाते हैं 1500 पे, तो वो एवरेज निकालने में थोड़ी दिक्कत करता है, तो वो चीज नहीं करके मैं अपना जो स्पीड को ऊपर नीचे करते रहता हूँ, उसकी वजह से ये एवरेज निकलती है। तो आपका मतलब है कहने का कि अगर हम क्रूज कंट्रोल को ना यूज करें हाईवे पे तो वी कैन गेट अ बेटर माइलेज। वी कैन यूज पल्स एंड ग्लाइड। ओके, पल्स एंड ग्लाइड होता है कि आपको एक्सेलरेट करना है, नॉट टू थ्रॉटल, मतलब आपको थ्रॉटल नहीं करना है, आपको एक अच्छे तरीके से एक्सेलरेट करना है, एंड कौन से स्पीड पे पहुंचने के बाद, सपोज 90 पे पहुंचने के बाद तो एक्सेलरेटर जो है आपको रिलीज कर देना है, एंड वो उसको डाउन आने के बाद 70 पे आपको फिर वही चीज करनी है, तो इसे कहते हैं पल्स एंड ग्लाइड का। तो ये चीज अगर आप करते हैं तो आपकी एवरेज किसी भी गाड़ी से एंड सिटी के लिए सबसे अच्छा तरीका है क्या एवरेज निकालने का, कि आपको ब्रेकिंग मिनिमम यूज करनी है और अपनी जो आगे वाली गाड़ी है उससे डिस्टेंस मेंटेन करके रखें। आपको ऑनरशिप रिव्यू तो मिल ही रहा है, साथ में साथ आपको काफी अच्छे टिप्स भी मिल रहे हैं कि कैसे आप एक गाड़ी से अच्छा माइलेज ले सकते हैं, क्योंकि मैं खुद हैरान हूँ 100 जैसी गाड़ी 17 का माइलेज। एंड आपको अगर ट्रैफिक में, अगर आपको पेट्रोल का प्राइस बताऊं कि लास्ट मंथ मैंने कितना खर्च किया है, आपका टैंक कितने में फुल हो जाता है? इसका टैंक मैम इसका 4000 प्लस में हो जाता है, मतलब मैं गट पे करवाता हूँ, पूरा टैंक फुल करा के उस पे चलाता हूँ। तो मंथली आपका पेट्रोल का कितना एक्सपेंसेस आ रहा है? बता देता हूँ, लास्ट मंथ मेरा जो पेट्रोल का एक्सपेंस आया है वो आया 11,500 रुपए डेली ट्रैवल करते। हाँ जी, और उससे पहले का अगर मैं बताऊँ तो मेरा 15,000 से लेके 18,000 तक का आता था, तो क्योंकि मैं काफी ज्यादा 4-5 हजार रुपए सीधा मंथली बचा लिया। मतलब मैंने ये टेक्निक यूज करी, मतलब टिप जो मैं आपको बता रहा हूँ मैंने ये इम्प्लीमेंट की है अपने पूरे मंथ में, और उसके बाद ये रिजल्ट मिला है मुझे, और अभी मैं चलता हूँ तो मैं इसी तरीके से चलता हूँ, क्योंकि मेरा कंसेप्ट ये है कि अगर मैं हाईवे पे चल रहा हूँ मैं उसको भगा भी रहा हूँ, देखो जल्दी पहुँचने का ये है कि टाइम जो भी आपका ETA है एस्टिमेटेड टाइम ऑफ अराइवल जो है उससे आप 2-4 मिनट ऊपर ही कमी कर सकते हो, ऊपर तो होएगा नहीं होगा, ठीक है, या तो सेम पे पहुंचोगे या 2-4 मिनट कम पे पहुंचोगे। देखिए थ्रॉटल करना है तो वो तो आप खाली रोड पे कभी भी कर सकते हैं, आपको जब थोड़ी देर का वो एक शौक होता है ना लोगों का वो आप कर सकते हैं, बट अगर आप डेली कम्यूट कर रहे हैं तो भाई उसमें आपको काफी सारी चीज देखनी, भाई कहाँ 18,000 का पेट्रोल कहाँ 11,000 का। अच्छा, आपने वीडियो के स्टार्टिंग में बताया था कि आपको 12 लाख में आपने सोनेट इसलिए परचेज की, ब्रीजा वेन्यू बहुत सारी गाड़ियां से छोड़ी, क्योंकि इसमें फीचर्स बहुत सारे थे। अब इंटीरियर में आप एक बार चल के ये बताओ कि इसमें कौन कौन से फीचर वो थे जो आपको सबसे ज्यादा पसंद आए और जिसकी वजह से आपने तब सोनेट ली जब सोनेट को बहुत ज्यादा मार्केट में इसका हाइप नहीं था। ब्रीजा जैसी गाड़ियों का, वेन्यू जैसी गाड़ियों का ज्यादा हाइप था। तो चलते हैं इंटीरियर में, वहां पे जानते हैं।
अच्छा हिमांशु, गाड़ी का इंटीरियर तो है ही अच्छा, बट गाड़ी में से तो फ्रेग्रेंस भी काफी अच्छी आ रही है, कौन सा परफ्यूम आपने गाड़ी में यूज किया है? मैम परफ्यूम की बात करूँ तो ये है मेरे पास इन्वॉल्व का फ्रेंच वुड, तो ये भी मैंने रिसेंटली परचेज किया है एंड मैंने देखा था काफी सारे यूट्यूबर्स इसका मतलब बता रहे थे कि काफी अच्छा है, तो मैंने कहा चलो मंगा के देखते हैं एंड काफी अच्छा है। तो कैसा एक्सपीरियंस रहा? खुशबू आ रही, आपने तारीफ कर तो दी, मतलब एक प्लस पॉइंट भी क्या है इसको, आप इसके पास एक रेगुलेटर मतलब स्विच है जिससे आप इसकी फ्रेग्रेंस को कंट्रोल भी कर सकते हैं, मतलब आपको ज्यादा चाहिए कम चाहिए तो वो भी आप कर सकते हैं एंड इजीली ये मेरे यहाँ पे कप होल्डर में ये आ जाता है आराम से। तो ऐसा नहीं है कि इन्वॉल्व के परफ्यूम्स की मैं ही तारीफ करती हूँ, और भी यूट्यूबर हैं जो इन्वॉल्व के परफ्यूम्स काफी ज्यादा पसंद करते हैं। इन्वॉल्व का परफ्यूम बहुत ही ज्यादा बढ़िया है। तो अगर आपको भी परचेज करना है, लिंक डिस्क्रिप्शन में, मेरा कूपन कोड भावना यूज करोगे तो 10% का डिस्काउंट भी मिल जाएगा, गो एंड चेक आउट। इंटीरियर जो है गाड़ी का मुझे वैसे काफी पसंद है, सोनेट का, नई वाली के लॉन्च में भी मैं गई थी, मैंने वहां पे भी देखा है, बट मुझे नई वाली का भी अच्छा लग रहा है, लेकिन इसके इंटीरियर में भी ऐसा कोई कमी नहीं है। यहाँ पर ये जो आप पैनल देख रहे हो, कोई भी चेंजेस कोई भी नहीं, हाँ जी। सिर्फ जो आपके एसी वेंट्स हैं उसमें थोड़ा बहुत डिफरेंस है, और इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर थोड़ा सा चेंज किया है, बाकी तो इतना सच कोई डैशबोर्ड में चेंजेस नहीं है। वो फीचर बताओ जिसकी वजह से आपने सोनेट को परचेज किया है। सी मैम, मुझे ना मतलब अपनी जो गाड़ी का कैबिन चाहिए था ना, वो काफी प्रीमियम लुक में चाहिए था, ठीक है, तो इस गाड़ी में बैठने के बाद मुझे वो प्रीमिनेंस आ रही थी। मैंने नेक्सॉन भी देखी थी, मैंने वेन्यू भी देखी थी और मैंने ब्रेजा भी देखी थी, ठीक है, बट मुझे वो चीज नहीं मिली इसमें, ठीक है, इस प्राइस रेंज में। एंड जो सबसे बेस्ट पार्ट मुझे इस गाड़ी का लगता है ना, सबसे ज्यादा बेस्ट, वो मुझे इसका लगता है स्टीयरिंग व्हील। या तो इसमें स्टीयरिंग में कंट्रोल्स इतने प्रीमियम थे, ये पियानो फिनिश दे रखा है, मतलब एक आप मर्सिडीज का स्टीयरिंग देख लो और ये देख लो, बाई बाती है, ठीक है, वो है। बाकी सनरूफ का रीजन छोटा सा रहता है कि बस ये है कि स्काई दिख जाए बट बाहर निकलने वाला सिस्टम नहीं है। मैं अगर इसका जीटी लाइन वेरिएंट लेता तो उसमें क्या था कि बोस का साउंड दे रहे थे वो, बट मुझे वो वर्थ नहीं लगा क्योंकि मैंने वो भी सुना था और ये भी सुना है, मेरी एक्सपेक्टेशन के हिसाब से अच्छा है, अच्छा था। हाँ, क्योंकि जितनी मतलब पंजाबी म्यूजिक सुनता हूँ अपने ट्रैवल के टाइम पे, मुझे अच्छा लगता है। अच्छा हिमांशु, इसका जो रियर कैमरा है अभी मैं देख पा रही हूँ, मुझे तो ये काफी ठीक लग रहा है, बट मैं 5-10 मिनट के लिए सोनेट पे बैठ के इसके कैमरे को जज नहीं कर सकती हूँ। बिल्कुल बिल्कुल, आप चला चुके हैं काफी, तो रियर कैमरा क्वालिटी जो है वो कैसी है इसकी? मैम किया की अगर बात की जाए ना इन सब चीजों में, तो मतलब काफी इन्होंने R&D करी है अच्छे से एंड इंडियन मार्केट के हिसाब से इन्होंने इन सब चीजों को लगाया है, ठीक है। तो मेरा पर्सनल ओपिनियन ये है कि कैमरा क्वालिटी जो है ना काफी अच्छी है, क्योंकि रात में भी ये काफी अच्छा व्यू देती है, ठीक है। एंड इसमें एक फीचर आता है जिसको मैंने सेट कर रखा है कि अगर बाय चांस मेरी वाइफ अगर ड्राइव करती है तो मैं इसको ऑन कर देता हूँ, पीछे का मुझे दिखता रहता है, ओके, ठीक है। तो ये फीचर अच्छा है, इसको हम स्विच भी कर सकते हैं बाद में, ओके। और बाकी जब आप ड्राइव करते हो गाड़ी को, तो ड्राइव करते हुए ना एक पोजीशन होती है जिसपे हम ड्राइव कर रहे होते हैं, तो उसे लेकर रोड विजिबिलिटी और आपका इसे इंफोटेनमेंट का एक्सेस वो कैसा है? तो एक्सेस इंफोटेनमेंट सिस्टम का करना है तो काफी इजी है, क्योंकि मेरे पास सारे कंट्रोल स्टीयरिंग पे ही दिए गए हैं इसके, ठीक है, एंड मैं ड्राइव करते हुए इजीली इनको एक्सेस कर सकता हूँ। ओके, एंड व्हाट अबाउट द एसी? एसी अभी वैसे गर्म ठंड हो रही है, ठंड के मौसम में हम एसी को जज नहीं कर सकते, बट फिर भी आपने जो अपना एक्सपीरियंस शेयर किया है, उससे पहले जो आपका एसी कूलिंग था वो किस तरीके का है? नहीं, मेरा एसी से कोई वो नहीं था कि मुझे प्रॉब्लम फेस हुई, वो जस्ट ये था कि आई गेस गाड़ी इतनी चल चुकी है तो उसकी वजह से एसी में प्रॉब्लम आई होगी, ठीक है। बाकी एसी इसका इतना अच्छा है कि मैं इसको हमेशा 24 या 25 पे ही अच्छी खासी गर्मी में चलाता था, ठीक है। मेरा ये नहीं होता था कि भाई मुझे इसको बिल्कुल लो पे ही चलाना है, ठीक है। तो ये मेरा एक्सपीरियंस के साथ अच्छा रहा है एसी के साथ। और इन मतलब मैं जयपुर गया हूँ तो जयपुर की आपको गर्मी पता ही है कि किस तरीके की होती है, वहाँ पे भी इसने काफी अच्छा रिस्पांस दिया, काफी अच्छा। अच्छा, जैसे आपने IMT चूज किया है, अब बहुत ही कम लोग हैं अभी भी जो IMT की तरफ जाते हैं, बिल्कुल, क्योंकि ज्यादातर या तो 80 जाएंगे या फिर ऑटोमेटिक जाएंगे। 80 वालों की संख्या बढ़ती जा रही है, मैनुअल की कम होती जा रही है, बट IMT चूज करने के पीछे क्या रीजन था? IMT चूज करने के पीछे बहुत बड़ा रीजन ये था कि एक तो मेरे को ना गाड़ी मैं मैनुअल वाला जो फील होता है ना वो चाहता था गाड़ी में रहे, ठीक है, बट वो आपको AT में या फिर DCT में नहीं मिलेगा, ठीक है, तो वो चीज मुझे चाहिए थी। और दूसरा ना एक ये नया ट्रांसमिशन लॉन्च हुआ था तो थोड़ी उत्सुकता थी कि हाँ भाई चलो इसको लेके देखते हैं,
मेरे को कई लोगों ने बोला भी कि भाई नया ट्रांसमिशन है, कैसे परफॉर्म करेगा कैसे नहीं करेगा, तो तुम क्यों ले रहे हो उसको। बट काफी सारी गाड़ियां देखने के बाद मैंने डिसीजन ले लिया। और डिसीजन भी क्या लिया, एक्चुअली मैंने पहले गाड़ी देखी थी, सेम गाड़ी सेम मॉडल सब कुछ सेम, मेरे फ्रेंड ने मुझसे पहले ली, उसको भी मैंने परचेज करवा दी पहले। वो काइगर जा रहा था लेने, बट मैंने कहा काइगर तू देख क्या, बट देखो एक गाड़ी दिखाता हूँ बहुत बढ़िया, वो गाड़ी अगर तूने देख ली तो तू शायद नहीं लेगा। तो इसलिए बाकी सारे शोरूम घूम गया, यहाँ बाद में चलेंगे। तो जैसे हम किया के शोरूम में पहुंचे, उसने हाथों हाथ बुकिंग करवा दी, कह रहा भाई गाड़ी यही लेनी है। तो उसकी गाड़ी मैंने 2 महीने चलाई, उसके बाद मैंने परचेज, उसके बाद आपने परचेज। अच्छा, IMT है उनके पास भी, है उनके पास IMT तो मैनुअल में और IMT में प्राइस में कितना डिफरेंस आ रहा था? प्राइस में अप्रोक्स आ रहा था मेरे हिसाब से कुछ 70-80 के आसपास। 70-80, तो आपको लगता है कि ये ट्रांसमिशन जो आपने चूज किया है 70,000 रुपए में वर्थ है? वर्थ है, ठीक है। और अब ना थोड़ा आपको इसका एक चीज और बता दूं कि आपको इसका हिल का जो असिस्ट मिलेगा ना, अच्छा एक तो उसमें मोड भी दे रखा है, हिल असिस्ट भी दे रखा है, प्लस आपकी जो ऑटोमेटिक जो इसका वेरिएंट है वो हिल्स पे अच्छा वर्क नहीं कर रहा था, मेरे को किसी ने बताया था, बट मेरे जो IMT वेरिएंट है इसने अच्छा वर्क किया, क्योंकि ये एक मैनुअल के ही उस पे काम करता है, काम बस इस पे क्लच नहीं है, सेंसर इसमें है जो कि आपको सेंस करके कि आपने कौन सा गियर शिफ्ट किया है तो उसके अकॉर्डिंग आपको पुश देता है, ठीक है। अच्छा, आपने जब सोनेट परचेज किया है, परचेज करने के बाद या पहले कभी नेक्सॉन या ब्रीजा चलाया है? बिल्कुल चलाई है। तो आपको नेक्सॉन के से अगर हम कंपेयर करें सोनेट का, क्योंकि मेन जो कॉम्पिटिटर है वो नेक्सॉन और ब्रीजा ही है, वेन्यू का एक फिर भी अलग कस्टमर है, हिंडई वाले जो बहुत ही लॉयल कस्टमर है वो वेन्यू पर जाते हैं। अच्छा हिमांशु, सबसे इम्पोर्टेंट जो चीज है वो ये है कि टाटा नेक्सॉन एक ऐसी गाड़ी है जो 14,000 से 15,000 हर महीने सेल होती है, प्लस वही ये गाड़ी है कि 5,000 से 6,000 यूनिट भी इसकी बड़ी मुश्किल से बिकती है हर महीने। तो आपने एक वो गाड़ी छोड़ के जो टॉप बेस्ट सेलिंग लिस्ट में सबसे ऊपर नंबर 1 पे है, सोनेट परचेज कर ली, एंड टाटा नेक्सॉन के सेल होने का सबसे बड़ा रीजन है उसकी सेफ्टी। सेफ्टी, आपने अपनी सेफ्टी के साथ समझौता कैसे किया सोनेट को लेकर? देखिए मेरा पॉइंट ऑफ व्यू थोड़ा सा डिफरेंट है इसके ऊपर, कि अगर मैं ये कहूंगा कि अगर आप चल रहे हैं रोड पे तो या तो आपको सामने वाले से बचना है या आपको खुद सही चलना है, तो मैं यही सोच के चलता हूँ कि भाई मैं सही चलता हूँ, सामने वाले का तो मैं कुछ कर ही नहीं सकता। तो सेम सिचुएशन आपकी टाटा की गाड़ियों के साथ भी रहेगी कि अगर भाई सामने से कोई आके उसको मार के जा रहा है तो भाई टाटा की बिल्ड क्वालिटी भी कुछ नहीं कर पाएगी। तो मैंने बस यही पॉइंट ऑफ व्यू रखा था अपना, और यही सोच के मैंने किया सोनेट को परचेज किया था। मैंने नेक्सॉन ईवी देखी थी, बट मुझे वो प्राइस रेंज मेरे से बहुत ऊपर जा रहा था, मतलब मेरा बजट जो था 12 लाख तक का था, वो 13-14 लाख रुपए में पड़ता मुझे, उसके जो इसमें सनरूफ वगैरह सब चीज आती है। अच्छा, अगर आपको कोई अभी कोई आपसे पूछे कि मुझे मारुति ब्रीजा लेने जाना है, नेक्सॉन लेने जाना है, तो फिर आप उसे सोनेट के लिए बोलोगे कि हाँ ठीक है सोनेट ले लो, 100% मैं इस गाड़ी से सेटिस्फाई हूँ? बिल्कुल, मैं बल्कि ये कहूंगा कि ये भी स्टार्ट हो जाती है 8-8.5 लाख रुपए से इसका बेस वेरिएंट, ठीक है, बट वही डिपेंड करता है कि उसका बजट क्या है, ठीक है। अगर बजट में है 8-8.5 के स्टार्टिंग में भी, तो मैं रिकमेंड कर दूंगा कि हाँ भाई आप ले सकते हो उस गाड़ी को, क्योंकि इसका बेस वेरिएंट भी काफी अच्छा है, ठीक है, उसमें मतलब थोड़ी प्रीमियमनेस कम हो जाती है, बट आपको वाइब्स अच्छी मिलती है। कभी गाड़ी फुल करके चलाई है, लाइक 5 लोग बैठे हैं, पीछे बूट पे भी है, तो गाड़ी का सस्पेंशन कैसा परफॉर्म किया है? सस्पेंशन देखिए अच्छा परफॉर्म किया है, गाड़ी 4 लोगों के साथ ही मनाली गई थी, विद बूट स्पेस उसका पूरा फुल था, ठीक है, मनाली जा रहे 4-5 दिन के लिए, तो अच्छा खासा सामान लेके गए थे, तो काफी अच्छा परफॉर्म किया। एंड एवरेज की बात की जाए तो उसमें थोड़ी सी कम होती है, क्योंकि आपका बूट में जो स्पेस है वो भर जाता है, तो थोड़ा मुझे लगता है कि किया के ऐसे कस्टमर हैं जो सोनेट से पूरी तरह से सेटिस्फाई हैं। मैं एक भी कमी इन्होंने सोनेट में नहीं बताई है, तो किया की तरफ से बहुत सारे ऐसे कम कस्टमर मिलते हैं जो 100% सेटिस्फाई होंगे। और इस में मैं ये कोई ऐसे नहीं बोल रहा कि भाई मुझे अच्छी बात बतानी है, भाई मुझे इसका एक्सपीरियंस इतना अच्छा मिला है तो ही मैं इसको बता रहा हूँ। किसी की गाड़ी देख के अगर ये ना लगे ना कि यार मेरे पास, इनफैक्ट मेरे फादर ने कहा था कि ये 12 लाख की खरीद रहे हो तो इससे अच्छा स्कॉर्पियो खरीद लेते हैं। मैंने कहा पापा उसमें मुझे कुछ नहीं मिलेगा, ठीक है, खामखा ओल्ड स्कूल वाइब आएगी। फिर कहते सेल्टोस ले ले, सेल्टोस का वेरिएंट नीचे आ रहा था, फिर उसमें चीजें कम हो रही थी, तो मुझे जो चीजें चाहिए थी मैंने उस हिसाब से देखा कि इस
किया में ये था, आपके लिए परफेक्ट कार बन गया। परफेक्ट कार थी, मेरी वाइफ की चॉइस थी, मतलब होने वाली वाइफ की उस टाइम पे। हाँ। और कलर जो है वो पसंदीदा दोनों का ही है, ब्लैक कलर। ब्लैक को 63,000 चला ली है। हाँ। एंड मैं देखिए, मुझे तो पता ही है कि ये कितने और चलेंगे। बाकी किया सर्विस वालों ने भी मुझे अब जो सर्विस कराई है उन्होंने कहा कि भैया 10,000 और चलेंगे आपके टायर, बहुत अच्छी चलाई है। Okay. कह रहे इतनी चलती नहीं है, बट आपने जिस तरीके से गाड़ी चलाई है ना, 10,000 और चल जाएगी। नहीं तो सब 4 मीटर एसयूवी में 50,000 पे टायर उसके। हाँ, मुझे बताया गया था सर्विस वालों की तरफ से भी किया से कि आपके 45 या 50 पे टायर चेंज होंगे। हाँ। बट मैंने इसको 63 चला दिया, अभी उन्होंने कहा कि 10,000 और चलेंगे। तो मैं वही बोल रही हूँ कि ये आप किया गए ट्रू कस्टमर हो। चलिए, ये थे हिमांशु शर्मा। और अगर आप नई वाली सोनेट खरीदने का प्लान भी कर रहे हैं तो ये आपके लिए रिव्यू इनका काफी ज्यादा हेल्पफुल हो सकता है, क्योंकि गाड़ी तो वही है, गाड़ी तो यही है, थोड़े बहुत चेंजेस मिल जाएंगे, चेंजेस हुए हैं। हाँ, एग्जैक्टली, थोड़ा बहुत फीचर्स भी एक्स्ट्रा ही है, कम नहीं है इससे। तो ये थे ट्रू ऑनर किया सोनेट के। कैसा लगा आपको ये वीडियो? क्या आपके पास सॉरिट है और आप उससे सेटिस्फाई हैं या नहीं, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएगा। फिर से मिलेंगे किसी और वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। थैंक यू सो मच हिमांशु।